एनजीओस की तरफ से ऐसा कोई रबता हमसे तो नहीं हुआ और डायरेक्टली सिर्फ उन्हीं का एक मौक़ सुनकर उन्हीं को सपोर्ट किया जा रहा है, जो कि बुरी बात नहीं है, लेकिन आई विश कि इस मुल्क में कोई यू नो कोई मर्दों की एनजीओस भी होती तो वो हमारा मौक़ भी जानती। जी 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 सर देखिए वो एक ऐसी चीज़ ला रही हैं मीडिया पर कि जिससे वो उन लोगों का हक भी मार रही हैं कि जिन बेचारियों के साथ एक्चुअली में ये हो रहा है। ये सारा एक प्री प्लान्ड सीन है सारा जो क्रिएट किया गया है। इसके बारे में मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता चुका हूँ ऑलरेडी कि वो तस्वीर जो हैं वो कब की हैं और वो तस्वीर किस वजह से हैं और वो चोट जो है वो किस नौयत की है। और बकौल उनके उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इतराफ़ भी किया है कि अगर मैं गिरी होती और मुझे चोट लगी होती तो मैं हॉस्पिटल ना जाती, मैं तो हॉस्पिटल गई ही नहीं। और ये कहकर कि मैं हॉस्पिटल नहीं गई, बावजूद इसके उन्होंने एक मेडिकल वो प्रिस्क्रिप्शन है, वो मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं है, वो प्रिस्क्रिप्शन है जो कि हमने एक डॉक्टर से भी उसकी तस्दीक करवाई है, तो उसमें काफ़ी सारे फ्लॉज हैं जो कि हम बहुत जल्दी शेयर करेंगे। फाइनेंशियली लॉस जो भी हो चुका है वो अब वही भुगतेंगे। ट्रस्ट में बताइएगा कि सुलह के चांसेस हैं क्योंकि मियां बीवी के दरमियान आपस में मामलात की तलखलामी तो होती रहती है, तो अब कोई ऐसे चांस है कि बड़े आपस में आए तो शायद सुलह हो सके या राहें से दूर आ रहे हैं? देखिए हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, हमने जब सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने की थोड़ी सी भी कोशिश की थी तो उनकी जानिब से जिस तरह का रवैया आया था तो मेरे ख्याल में उसके बाद उन्होंने कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है और FIR में सारे झूठे दलायल जो उन्होंने दिए हैं अपने और झूठे इल्ज़ाम तराशे हैं, ये सही लफ्ज़ होगा, जो तराशे गए हैं मिल बैठकर सर जोड़कर उनका हम जवाब अब लीगली ही देंगे इंशाल्लाह। और ये सब एक्सपोज हो जाएंगे, उनके लॉयर भी, वो ख़ुद भी, जो कि ज़ाहिर है वो साली हैं उनकी, तो वो सब एक्सपोज होंगे इंशाल्लाह। सवाल देखिए ये कुछ ही दिनों में खुलकर सामने आ जाएगा सच जो है उसमें कितनी सदाकत है। और जो उन्होंने 50 लाख 1 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं उनसे मेरे ख्याल में मैं 500 रुपए का भी रवादार नहीं हूँ इन 4 साल शादी के जो दौरानिया है हमारा, तो ये खुद भी जानती हैं वो, लेकिन चलें कोई बात नहीं, अब लीगल वॉर है तो लीगल वॉर ही सही, अब देखते हैं। अच्छा जो एनजीओस इसमें इन्वॉल्व हुई हैं जी हकूक के लिए उसके मुतालिक आप क्या कहेंगे कि उस एनजीओ ने कोई आपसे रब्ता किया या पूछा या एक तरफा ही उसके मुतालिक कोई इत्तेजाज या उनका साथ दिया, आप क्या कहेंगे? नहीं जी एनजीओस की तरफ से ऐसा कोई रब्ता हमसे तो नहीं हुआ और डायरेक्टली सिर्फ उन्हीं का एक मौक़ सुनकर उन्हीं को सपोर्ट किया जा रहा है, जो कि बुरी बात नहीं है, लेकिन आई विश कि इस मुल्क में कोई यू नो कोई मर्दों की एनजीओस भी होती तो वो हमारा मौक़ भी जानती। जी 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 सर देखिए वो एक ऐसी चीज़ ला रही हैं मीडिया पर कि जिससे वो उन लोगों का हक भी मार रही हैं कि जिन बेचारियों के साथ एक्चुअली में ये हो रहा है। ये सारा एक प्री प्लान्ड सीन है सारा जो क्रिएट किया गया है। इसके बारे में मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता चुका हूँ ऑलरेडी कि वो तस्वीर जो हैं वो कब की हैं और वो तस्वीर किस वजह से हैं और वो चोट जो है वो किस नौयत की है। और बकौल उनके उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इतराफ़ भी किया है कि अगर मैं गिरी होती और मुझे चोट लगी होती तो मैं हॉस्पिटल ना जाती, मैं तो हॉस्पिटल गई ही नहीं। और ये कहकर कि मैं हॉस्पिटल नहीं गई, बावजूद इसके उन्होंने एक मेडिकल वो प्रिस्क्रिप्शन है, वो मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं है, वो प्रिस्क्रिप्शन है जो कि हमने एक डॉक्टर से भी उसकी तस्दीक करवाई है, तो उसमें काफ़ी सारे फ्लॉज हैं जो कि हम बहुत जल्दी शेयर करेंगे। फाइनेंशियली लॉस जो भी हो चुका है वो अब वही भुगतेंगे। ट्रस्ट में बताइएगा कि सुलह के चांसेस हैं क्योंकि मियां बीवी के दरमियान आपस में मामलात की तलखलामी तो होती रहती है, अब कोई ऐसे चांस हैं कि बड़े आपस में आए तो शायद सुलह हो सके या राहें से दूर आ रहे हैं? देखिए हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, हमने जब सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने की थोड़ी सी भी कोशिश की थी तो उनकी जानिब से जिस तरह का रवैया आया था तो मेरे ख्याल में उसके बाद उन्होंने कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है। और FIR में सारे झूठे दलायल जो उन्होंने दिए हैं अपने और झूठे
इल्ज़ामात तराशे हैं, ये सही लफ्ज़ होगा, जो तराशे गए हैं मिल बैठ कर सर जोड़ कर, उनका हम जवाब अब लीगली ही देंगे इंशाल्लाह, और ये सब एक्सपोज हो जाएंगे, उनके लॉयर भी, वो ख़ुद भी, जो कि ज़ाहिर है वो साली हैं उनकी, तो वो सब एक्सपोज होंगे इंशाल्लाह, और अब लीगल वॉर खेलते हैं। देखिए मैं जैसा पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि 4 साल शादी में, करीब 1 साल हम साथ रहे हैं, और मेरे ख्याल में उनको हर बार सुनने में गलती लगती है, और वो कहते हैं कि 4 साल शादी में 5 महीने साथ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, दोबारा सुन ली, मैं जवाब दे रहा हूँ सर। गुजारिश ये है कि 4 साल शादी में हम रहे हैं 1 साल साथ, और अभी गुज़श्ता जो आखिरी हमारी सेपरेशन थी उसको 5 माह हो चुके थे, और दैट्स इट। जी क्यूट क्वेश्चन, वेरी क्यूट क्वेश्चन, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑन अ सीरियस नोट, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए सब, एक तो जेंडर्स जो हैं वो बराबर हैं, सबका एहतराम बराबर है, मर्द की भी उतनी इज्जत है जितनी औरत की इज्जत है, उतनी ही बुजुर्ग की भी है, उतनी ही बच्चे की भी है, उतनी ही जानवर की भी है। हम सब के हकूक के लिए अलग अलग एनजीओज बेशक बना लें, लेकिन मौक़िफ़ एक होना चाहिए कि जो सही है। जैसे अगर कोई क्या कहते हैं उसको, जो जिनके पास अब ये जा रहे हैं, आई गेस ह्यूमन राइट्स वाले जो हैं, अब ह्यूमन राइट्स का मतलब है कि इंसानी हकूक, उसका मतलब कतई ये नहीं है कि हाँ वुमेन राइट्स, इट्स ह्यूमन राइट्स। तो अगर ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं तो हम भी वहाँ पर खुलेआम जाकर अपना मौक़िफ़ बयान कर सकें, ना कि वो सिर्फ एक औरत होने की बुनियाद पर और आंसू बहाकर और यू नो इस तरह से जाकर। क्या अगर मुझे जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी मैं एक अदाकार हूँ इसलिए मैं बड़ी अच्छी अदाकारी करता हूँ, तो सर औरत से अच्छा अदाकार नहीं होता। एनजीओस की तरफ से ऐसा कोई रابطہ हमसे तो नहीं हुआ, और डायरेक्टली सिर्फ उन्हीं का एक मौक़िफ़ सुनकर उन्हीं को सपोर्ट किया जा रहा है, जो कि बुरी बात नहीं है, लेकिन आई विश कि इस मुल्क में कोई यू नो कोई मर्दों की एनजीओस भी होती तो वो हमारा मौक़िफ़ भी जानती। जी 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 जी, सर देखिए वो एक ऐसी चीज़ ला रही हैं मीडिया पर कि जिससे वो उन लोगों का हक भी मार रही हैं कि जिन बेचारियों के साथ एक्चुअली में ये हो रहा है। ये सारा एक प्री प्लान्ड सीन है सारा, जो क्रिएट किया गया है। इसके बारे में मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता चुका हूँ ऑलरेडी कि वो तस्वीर जो हैं वो कब की हैं और वो तस्वीर किस वजह से हैं और वो चोट जो है वो किस नौयत की है। और बकौल उनके, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इतराफ़ भी किया है कि अगर मैं गिरी होती और मुझे चोट लगी होती तो मैं हॉस्पिटल ना जाती, मैं तो हॉस्पिटल गई ही नहीं। और ये कहकर कि मैं हॉस्पिटल नहीं गई, बावजूद इसके उन्होंने एक मेडिकल वो प्रिस्क्रिप्शन है, वो मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं है, वो प्रिस्क्रिप्शन है जो कि हमने एक डॉक्टर से भी उसकी तस्दीक करवाई है, तो उसमें काफ़ी सारे फ्लॉज हैं जो कि हम बहुत जल्दी शेयर करेंगे। फाइनेंशियली लॉस जो भी हो चुका है वो अब वही भुगतेंगे। ट्रस्ट में बताइएगा कि सुलह के चांसेस हैं, क्योंकि भैया बेबी के दरमियान आपस में मामलात की तलखलामी तो होती रहती है, तो अब कोई ऐसे चांस हैं कि बड़े आपस में आए तो शायद सुलह हो सके या राहें से दूर आ रहे हैं? देखिए हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, हमने जब सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने की थोड़ी सी भी कोशिश की थी तो उनकी जानिब से जिस तरह का रवैया आया था तो मेरे ख्याल में उसके बाद उन्होंने कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है, और FIR में सारे झूठे दलायल जो उन्होंने दिए हैं अपने और झूठे इल्ज़ामात तराशे हैं, ये सही लफ्ज़ होगा, जो तराशे गए हैं मिल बैठ कर सर जोड़ कर, उनका हम जवाब अब लीगली ही देंगे इंशाल्लाह, और ये सब एक्सपोज हो जाएंगे, उनके लॉयर भी, वो ख़ुद भी, जो कि ज़ाहिर है वो साली हैं उनकी, तो वो सब एक्सपोज होंगे इंशाल्लाह। सवाल देखिए ये कुछ ही दिनों में खुलकर सामने आ जाएगा सच जो है, उसमें कितनी सदाकत है, और जो उन्होंने 50 लाख 1 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं उनसे मेरे ख्याल में मैं 500 रुपए का भी रवादार नहीं हूँ इन 4 साल शादी के जो दौरानिया है हमारा, तो ये खुद भी जानती हैं वो,
लेकिन चलें कोई बात नहीं, अब लीगल वॉर है तो लीगल वॉर ही सही, अब देखते हैं। अच्छा, जो एन